महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के खटीकवाड़ा क्षेत्र में स्थित 84 महादेवों में 51 नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। देवताओं के मुखिया इंद्र तथा दानवों के प्रमुख जंब थे। देवता हार गए, तब अंधक ने मंद्रांचल पर शिवजी के दूत को पीटा। तब उस दूत ने शिवजी के पास आकर कहा कि अंधक ने कहा है कि शिव मंद्रांचल को छोड़ दे और उनकी पत्नी गोरी उन्हें सौंप दे। तब शिवजी ने दूत से कहलाया कि वह आकर मुझसे युद्ध करके गोरी को ले जाए। इस पर अंधक अपनी चतुर्गिनी सेना लेकर आया। शिवजी ने उनके रथ को नष्ट कर दिया। तब उसने शिवजी के रथ पर आक्रमण किया। शिवजी ने उस पर त्रिशूल से प्रहार किया, उसे त्रिशूल से उठाकर आकाश में घुमा दिया। उसके शरीर से जो खून की बूंदें गिरी, उससे उतने ही राक्षस उत्पन्न हो गए। तब शिवजी ने दुर्गा को उत्पन्न किया, उसने वे रक्त की बूंदें पी ली, उससे नए राक्षस उत्पन्न होने बंद हो गए। पहले के राक्षसों को उन्होंने मार दिया। तब अंधक ने हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति की कि भगवान, मुझे आपके दर्शन हो गए, मैं आपकी शरण में हूँ। तब शिवजी ने उसे गण का स्थान दे दिया। उस त्रिशूल ने भी भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप भी मुझे कोई ऐसा स्थान दें जहाँ मेरा मन शुद्ध हो जाए। तब शिवजी ने उससे कहा कि महाकाल वन में पृथुकेश्वर के पूर्व में जो लिंग है, उसकी आराधना करो। त्रिशूल उस लिंग के पास गया। लिंग द्वारा पूछे जाने पर उसने अंधकासुर को मारने का वृतांत सुनाया और कहा कि आपके दर्शन कर मैं फिर शिवजी के पास चला जाऊंगा। जो मनुष्य अष्टमी, चतुर्दशी और मंगलवार को इस सुलेश्वर की पूजा करते हैं, उनका भय दूर होता है और वे नरक के भागी नहीं होते। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।